नमस्ते दोस्तों, हो मैं हूँ देवीदास और आज का मेरा वीडियो है रेल कर्मचारी ई समाधान से अपना आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनाएं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्ले स्टोर से ई समाधान की ऐप डाउनलोड करेंगे। उसका इंटरफेस इस तरह से रहेगा, ई समाधान लिखा रहेगा और उसके ऊपर बतख या श्वान का सिंबल रहेगा। तो इसको हमें डाउनलोड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है और उसके ऊपर आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने से पहले आपको उसमें लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी, उस पश्चात ही आप लॉगिन हो पाओगे। तो दोस्तों, लॉगिन होने के बाद में उसका इंटरफेस इस तरह से खुलेगा। आपका बायोडाटा, नाम पता सब आ जाएगा और सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ लिखा है आईडी कार्ड सर्विंग एम्प्लॉयज, परिचय पत्र सेवारत कर्मचारी, इसी के ऊपर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमारा पूरा बायोडाटा आ जाएगा। इसको हमें कुछ करना नहीं है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। सीधा हमें नीचे नीचे आना है और क्या करना है, पहला ऑप्शन जो आता है सिलेक्ट हाइट, सिलेक्ट हाइट के ऊपर हमें क्लिक कर देना है कि आपकी जो भी हाइट हो आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे फिलअप कर देना है। आपका जो कलर्स है वो कलर फिट कर देना है, आपको यहाँ पे भी कुछ लिखना नहीं है, ऑप्शन पहले से ही है, उसको खाली सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, या मतलब आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं लिख लेता हूँ, आपको भी लिख लेना है। ये मैंने अपना ऑप्शन लिख लिया है। उसके बाद आपको भी जो भी पहचान चिन्ह हो उसको भी आपको लिखना है, इसमें ऑप्शन सिलेक्ट करने का नहीं है। उसके बाद आता है फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको पहले से क्या करना है, फ़ोटो को खींच लेना है, फ़ोटो को खींच लेना है, अच्छे से उसको क्रॉप भी कर लेना है। क्रॉप करने के बाद में फ़ोटो अच्छी दिखेगी और शार्ट भी हो जाएगी। आपने क्रॉप कर लिया होगा, क्रॉप करने के बाद में वहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड कर लेनी है। ये फ़ोटो सबमिट कर देनी है। ये फोटो तो अभी हमारी यहाँ पे सबमिट हो गई है। उसके बाद में क्या करना है आपको, हैंड राइटिंग, सॉरी, अपने सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर को भी ये कागज़ पे, कोरे कागज़ पे, अच्छे कागज़ के ऊपर सिग्नेचर मारना है और उसके बाद उसको भी फ़ोटो ले लेनी है। फ़ोटो लेने के बाद में भी उसको भी अच्छे से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद में उसको सबमिट कर देना है। फ़ोटो भी सबमिट हो गई है। तो दोस्तों उसके बाद अपने को क्या करना है, आपके पास जैसे यहाँ लिखा है ऑप्शंस है, ओल्ड रेलवे आईडी प्रूफ, एनी वन उम्मीद कार्ड, मेडिकल डायरी, रेलवे अथॉरिटी हेल्थ लेटर विथ फ़ोटो। तो ये फ़ोटो के साथ में जो भी आपकी आईडी है उसको अपलोड कर लेना है। अभी मेरे पास पुराना आइडेंटिटी कार्ड है, वो मैं उसी को अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने पुराना आइडेंटिटी कार्ड मैंने अब मेरा अपलोड कर दिया है, जो इस तरह से आएगा। और उसको क्या है, सबमिट, सेव एंड ड्राफ्ट पहले कर लेना है। और सबमिट कर देना है। दोस्तों मैंने इसमें सेव ड्राफ्ट तो कर लिया है, अभी इसको मैं सेव सबमिट कर दूंगा। ये मेरा डाटा सबमिट हो गया है और
और ये एप्लीकेशन इनिशिएट यहाँ लिखा है कि पेंडिंग विद मीना जाजम, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद में आपका स्टेटस आपको मिलते रहेगा, या पेंडिंग लिखा हुआ है, पेंडिंग विद मीना जाजम, मोबाइल नंबर भी लिखा है, आप यहाँ पे संपर्क भी कर सकते हो, या आपको इसका स्टेटस भी आएगा, जैसे कि या ऐप इनिशिएटेड आएगा यहाँ पर, फिर पेंडिंग लिखा आएगा, फिर अथॉरिटी आएगा, यहाँ पर जो प्रोसेस होगा आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों यही प्रोसेस थी कि ई समाधान से रेल कर्मचारी अपना आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनाए। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और आपको कुछ समस्या आ रही हो तो कमेंट्स भी करें। थैंक यू वेरी मच।